कर दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम बोन्स वाले कन्फ्यूजिंग डाउट वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। लेवल सेकंड की बात हो रही है, लेवल सेकंड में स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी से। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो हैं वो वस्तुनिष्ठ व्याख्या बता रहे हैं और एक धीर सिंह धावाई सर इस अस्पष्ट उद्दीपक पे शोर कर रहे हैं, तो ये दो ऑप्शन इसमें लगभग सही बैठ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन डिलीट या बोन्स क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं सीधा हम साइकोलॉजी के बाद सीधा लेवल लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी की बात करते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में हमारे लिए एक क्वेश्चन आया था, ये 41 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है। दोस्तों, इसमें अगर साहस शब्द यहाँ वाक्य के अकॉर्डिंग देखें तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, गुणवाचक विशेषण है। अगर साहस पर्टिकुलर शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा है। तो ये क्वेश्चन भी बी श्योर या तो बी डी ऑप्शन में होगा या फिर डिलीट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये 48 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो पूछ रखा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसमें राघव प्रकाश सर हिंदी के जाने माने एक्सपर्ट हैं, इन्होंने दया और अवसर दोनों ऑप्शन इसमें राइट बताए हैं। तो इसमें बी या सी ऑप्शन होगा या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हिंदी में बस इतना ही है। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश की। लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश में चार पांच क्वेश्चन सर साथियों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या बात करें आउट ऑफ सिलेबस थे। ये क्वेश्चन है 64, द ड्रामा दैट डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स वाच। ये क्वेश्चन दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन एक प्रकार से बात करें तो हम अपर लेवल का है, ये अपर सेकेंडरी लेवल का है, तो इस क्वेश्चन पे भी रिट लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरी इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। तो इसमें बैरी भी सही है और ये बैरी भी सही है, इन दोनों का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बैरी होगा। तो बी और सी राइट है या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एडेक्चुएट एवोल्यूशन इज। इसमें डायग्नोस्टिक और इट इनहेंसिस लर्निंग दोनों ऑप्शन राइट हैं। तो इसमें भी बी या सी जो है वो सही माना जाएगा या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होगा। अगला क्वेश्चन जो देर का ये है, ब्लैंक वर्सेज एन आयम्बिक पेंटामीटर। ये दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस नहीं है एक प्रकार से, ये भी देखें तो हम अपर सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन है, अपर सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस पे रेट लग सकती है, आपती लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए इंग्लिश में, तो ये जो क्वेश्चन आया है, द लिंकिंग डिवाइस यूज इन द बो कौन एक्सट्रैक्ट बिलोंग टू। इसमें कॉन्ट्रास्ट सही है लेकिन कॉन्सिक्वेंस ठीक नहीं बैठ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी मे बी कन्फ्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इंग्लिश में, तो ये जो क्वेश्चन आया है, वेलर इज द साउंड फॉर्म्ड बाई। फनेटिक हमारे टॉपिक में है बट वेलर जो है ये हमारे इसमें नहीं है, स्पेशली डीप, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है। और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है द बैक ऑफ द टंग एंड द सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए साउंड, ये साउंड दिए हुए फ्रेकेटिव्स हैं लेकिन एक जो साउंड है ये फ्रेकेटिव्स नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउटफुल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में इतने ही थे। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट SST की। SST में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेफिनेटली डिलीट होंगे। कौन कौन से हैं चलिए बात कर लेते हैं। तो SST में एक क्वेश्चन था जो महाराणा प्रताप वाला क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एक ही क्वेश्चन है, भारत में मतदान के दौरान मतदाता रजिस्टर का प्रभारी। इसमें आपको बता दूं शोर द्वितीय मतदान अधिकारी है, इसमें आप किसी प्रकार का अचरज मत कीजिए, कई पीठासीन अधिकारी बता रहे हैं गलत है। तो यहाँ पर SST में जो क्वेश्चन था SST में किए जो देख रहा है, इसमें गोपाल सिंह खरवा राइट है, तिहाड़ जेल में गोपाल सिंह खरवा बिल्कुल डिलीट नहीं होगा, राइट क्वेश्चन है। गोपाल सिंह खरवा टोटगढ़ जेल में, जिसे प्राचीन काल में तिहाड़ जेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली, ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कौन सा है, बिकॉज ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें राइट हो, क्योंकि पुरोहित गोपीनाथ और चारण जैसा दोनों महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में शामिल थे
और इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो एक और पाँच जिसमें नहीं है, सभी में एक है, एक और पाँच है, इसमें एक है, इसमें पाँच है, इसमें पाँच है, इसमें पाँच है, तो ये डिलीट है। ये क्वेश्चन श्योर डिलीट है SST में 134th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कीजिए करें तो कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है दोस्तों जो SST में डिलीट होगा, तो SST में महाराणा प्रताप वाला क्वेश्चन, और सॉरी एक प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता वाला क्वेश्चन है चूहे वाला, वो या तो डिलीट है या फिर उसमें दोनों ऑप्शन राइट है, या तो वो डिलीट है या फिर बोथ ऑप्शंस इज राइट। ये क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, वह प्राथमिक भी है और द्वितीय, प्राथमिक एक्चुअल है, द्वितीय RBSC की बुक में दिया हुआ है, तो ये या तो डिलीट होगा या फिर इसमें बोथ आंसर इज राइट। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, जरूर शेयर करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।